नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो उसके जो परिणाम है या फिर उसके जो अनुभव है उस कुंडली में किस प्रकार से मिल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम, इस चैनल पर हर स्थान में शुक्र किस प्रकार से परिणाम दे सकता है या फिर उसके अनुभव आप ले सकते हैं, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में अगर शुक्र है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रथम भाव क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक है। प्रथम भाव माने कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, मतलब वो दिखता कैसा है, उसके रहन सहन कैसी है, जीवन के प्रति उसके विचार क्या है, उसका जो नेचर है वो किस प्रकार से होता है, वो डिसीजन किस प्रकार से ले सकता है या फिर उससे होने वाली जो व्याधियाँ होती है वो किस प्रकार से हो सकती है, उसी के बारे में, सभी के बारे में ये जो स्थान है वो हमें कोई ना कोई बातें या फिर अनुभव दे सकता है। तो इसी वजह से अगर किसी भी कुंडली में प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो उसके परिणाम किस प्रकार से मिल सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, यह जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक इनकी पर्सनालिटी देखी जाती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी मतलब इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा सोबर होता है, ज़्यादा फ्लैशी इनका रहन सहन नहीं होता। हालांकि मॉडर्न जो शैली है या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इनके प्रति इनका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन फिर भी सोबर इनका जो रहन सहन है वो देखा जाता है। इनके विचार होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मृदु प्रकार के विचार होते हैं, मतलब एम्बिशियस नेचर या फिर करेजियस नेचर, महत्वाकांक्षी या फिर करेजियस नेचर वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, ये जो बातें, ये बातें अगर किसी भी कुंडली में लगन भाव में अगर शुक्र है तो वो देखी नहीं जाती। लेकिन फैशन के प्रति, जैसे मैंने कहा कि इनका जो लगाव होता है काफ़ी अच्छा होता है, इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और अधिभौतिक सुख के प्रति इनका अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, मतलब अच्छा खाना पीना, अच्छा घर होना या फिर गाड़ियाँ होना, या फिर ये जो बातें होती है इनके प्रति इनका अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और कपड़ों के प्रति या फिर जो मूल्यवान जो वस्तु है, तो ज्वेलरी होती है, इनके प्रति भी इनका अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो इससे, और ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें इनको मिलती भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है, इनको वो सभी बातें मिलती भी हैं। और यदि किसी महिला के अगर लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो वो जो महिला होती है वो मतलब पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और उनका जो रहन सहन होता है काफ़ी रिच होता है। एक तो वो महिला है और उनका जो अट्रैक्शन होता है इन मतलब भौतिक सुख के प्रति प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इसकी वजह से इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी अच्छी देखी जाती है, और पुरुषों के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये बातें बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आती है। मतलब ये जो पुरुष होते हैं वो हमेशा शेविंग करते हुए नजर आएंगे, मतलब अच्छी तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कपड़ा किसी भी प्रकार से रहने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कम होगी तो भी इस अगर शुक्र इस भाव में होता है तो वह जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहन सहन वाले देखे जाते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना इन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन इनका जो बोलना होता है वो, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने कहा कि इनका जो लक फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो चाह इनमें होती है पैसे के प्रति या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति, इनको जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और वो अधिभौतिक सुख इन्हें मिलते भी काफ़ी अच्छे तरीके से है, तो यही बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कार्स बंगलोज ये सभी या फिर अपना खुद का घर खुद का मकान होना, ये सभी बातें इनकी इच्छाएँ होती है और वो पूरी भी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन व्याधियों के बारे में अगर देखा जाए तो उनको जो व्याधियाँ होती है वो भी उसी प्रकार से होती है, मतलब अच्छी तरीके से खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना या फिर ऐसा खाना जो कि जिससे बहुत ज़्यादा व्याधियाँ हो सकती है, तो इस प्रकार से मतलब डायबिटीज़ वगैरह जिसे हम कहते हैं या फिर बीपी जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से व्याधियाँ जो कि ऊँचे रहन सहन से होने वाली जो व्याधियाँ होती है वो व्याधियाँ इन लोगों को, या फिर अगर आपके लगन भाव में शुक्र है तो वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो व्यक्ति होते हैं इन व्यक्तियों को भिन्न लिंग के प्रति आकर्षण काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अगर किसी भी कुंडली में लगन भाव में अगर शुक्र है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि
किसी कुंडली के लगन भाव में शुक्र है और उन्होंने प्रेम कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होता। वो कभी ना कभी तो प्रेम भावना में सम्मिलित होती ही है। अब ये जो प्रेम भावना है या फिर ये जो प्रेम है किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है या फिर किस प्रकार से वो उसका अनुभव ले सकते हैं, ये बात थोड़ी अलग है, क्योंकि यह जो शुक्र कौन सी राशि में कौन सी नक्षत्र में आता है या फिर इस शुक्र के साथ कोई और जो ग्रह है वो किस प्रकार से योग बनाता है, इसके ऊपर वो बाकी जो बातें होती हैं वो डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर प्रथम भाव में शुक्र है तो वो जो व्यक्ति है वो प्रेम जो होते हैं प्रेम के माध्यम में आती है, प्रेम का अनुभव लेते भी है, और कई दफ़ा प्रेम विवाह होने के लिए प्रथम भाव में शुक्र होना या फिर प्रथम भाव का जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यही बातें होती है। और दूसरी जो बड़े बातें कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो शुक्र है यह शुक्र काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। लेकिन जैसे मैंने शुक्र शुरुआत में कहा कि हार्ड वर्किंग नेचर, करेजियस नेचर, मर्दानगी वाला नेचर, माचो मैन जिसे हम कहते हैं, ये बात इनमें थोड़ी कम दिखाई देती है। और इसी वजह से किसी भी पुरुष के अगर लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में शुक्र है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पुरुषों के लिए जो भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं वह गुण उस कुंडली में ज़्यादा नहीं देखे जाते या फिर उनके जो नेचर होता है उनमें ज़्यादा नहीं देखे जाते, बस वही बात है। लेकिन अगर किसी भी महिला के अगर प्रथम भाव या फिर लगन भाव में शुक्र है तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी भी होता है। शादी के बाद भी या मतलब अगर ऐसी कोई स्त्री जिसके लगन भाव में शुक्र है तो शादी के बाद या फिर विवाह के बाद जो वह ससुराल में जाएगी या फिर पति के जो हालात होंगे, जो मतलब आर्थिक स्तर होगा, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो यही सभी बातें होती है अगर लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में शुक्र है तो। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरुषों के मामले में जो मैंने व्याधियाँ बताई तो इसमें और दो तीन बातें हैं कि किडनी से रिलेटेड जो व्याधियाँ होती है वो भी होने के चांसेस अगर लगन भाव में शुक्र है तो वो ज़्यादा बनती हैं। उसी प्रकार अभी देखिए ये जो मैंने बातें कही यह जो या फिर जो भी मैंने परिणाम कहे वो परिणाम मिलते ही हैं, लेकिन इसमें जैसे मैं शुरुआत में कहा कि वो जो शुक्र है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और किस ग्रह से योग कर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप भी आपके कुंडली में या फिर आपके जो परिजन होंगे उनके कुंडली में देखिए तो यह जो गुण होते हैं वो या फिर हमने जो कहा उसके परिणाम आपको मिलते हैं या फिर उनके नेचर में, उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार से परिणाम मिलते हैं कि नहीं, आप ज़रूर कहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। अगर इसके अगर आपको कुछ परिणाम मिलते हैं तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ये था लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।